हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जब समझाई कि किबर अल्लाह की चादर है और जो शख्स इस चादर को खींचने की कोशिश करता है अल्लाह ऐसे इंसान को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लम ने तकब्बुर की मज़म्मत बयान की है तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह मजमई ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कभी एक आदमी का दिल करता है मैं अच्छा कपड़ा पहन लूँ, मैं अच्छा जूता इस्तेमाल कर लूँ, अच्छी खुराक खा लूँ, क्या ये तकब्बुर का हिस्सा तो नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल्लाह जमीलु युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील हैं और जमाल को पसंद फरमाते हैं। तकब्बुर इसका नाम नहीं कि आदमी कपड़ा अच्छा पहने, तकब्बुर इसका नाम नहीं कि आदमी जूते कीमती पहने, तकब्बुर किस चीज़ का नाम है कि जब हक आए तो इंसान उसको चटक दे, ख़ुद को मुअज़्ज़ज़ समझे और लोगों को जलील समझे, इस बात का नाम तकब्बुर है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें इमाम मदीना भी कहते हैं, इमाम दारुल हिजरा भी कहते हैं, और उम्मत के फुकहा में से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बाद दूसरे नंबर के फ़कीह और मुज्तहिद हैं कि जिनकी फ़िक्ह को अल्लाह ने उम्मत में कबूलियत अता फ़रमाई है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मामूल मुबारक क्या था कि हर रोज़ एक नया सूट पहनते और जो सूट एक मरतबा पहन लेते दोबारा ज़िंदगी में कभी भी इस्तेमाल नहीं फरमाते, रोज़ाना एक नया सूट इमाम मालिक इस्तेमाल फरमाते। और वो सूट हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को यमन का एक ताजर यमन से हदिये में भेजता। इमाम मालिक से उसकी ख्वाहिश ये थी आप हदीस मुबारक पढ़ाएँ, हमारा दिल करता है लेकिन लिबास हम देंगे और पहने आप, और आप एक मरतबा सूट पहन लें तो दोबारा ना पहने, हर रोज़ आप नया लिबास हर रोज़ नया लिबास आप इस्तेमाल फरमाएं। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब हदीस मुबारक के लिए तशरीफ़ लाते गुस्ल भी करते और नया सूट पहनते और दूसरे दिन उस सूट को फिर कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब रोज़ाना नया सूट पहनना था, एक आदमी ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को, बुज़ुर्ग भी थे, और उन्होंने इमाम मालिक को नसीहत की। नसीहत क्या थी? कुलू वशरबू वला तुसरिफू, आप खाओ और पियो लेकिन इसराफ ना करो, अल्लाह पाक इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करते। ये समझाना चाह रहे थे कि आपका इतना कीमती लिबास पहनना और दोबारा हर रोज़ नया सूट पहनना ये इसराफ है और आप इसराफ ना करें। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने आयत लिखी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुज्तहिद थे, उनने जो मुकाबले में आयत लिखी, इमाम मालिक ने फरमाया कुल मन हर्रम अल्लाह ज़ीनत अल्लाह अल्लज़ी अखरज लिइबादी, तुम ये बताओ कि जिस जीनत को अल्लाह हलाल करार दे कौन है बंदा जो उसको हराम कर सकता है? अल्लाह ने इसको हलाल किया है तो सूफी साहब आप कौन होते हैं मेरे रोज़ाना के कीमती लिबास को हराम करार देने वाले? मैं तो एक जुमला कहता हूँ, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा ताजर मिला जो रोज़ाना इमाम मालिक को नया सूट देता था। हमें अल्लाह ऐसे ताजर अता फरमा दे, हम इसका इनकार तो नहीं करते, लेकिन आज के दौर में अगर ऐसा दुनियादार आदमी मिल जाए कि जो इमाम को नया सूट सिलाकर तो ना दे, इमाम का नया सूट बर्दाश्त कर ले, तो ये भी इमाम की बहुत बड़ी सआदत है। अब तो लोग किसी आलिम को कपड़ा देना तो गुजा, इमाम अपने आलिम का कपड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आलिम को हदिया देना तो गुजा, आलिम का अच्छा कपड़ा, आलिम की अच्छी चीज़ें इस्तेमाल की बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह में ये बात समझने की तौफीक अता